Okay, I can start right away. Ya Allah. Thank you very much. Auzubillahi minash-shaytan rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, most merciful, all praise be to Allah subhanahu wa ta'ala, the sustainer and cherisher of this world. Salutation and salam on Prophet Muhammad, peace be upon him. Respected sir, respected teachers, my dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As sir has introduced me, my name is Ayaz Al-Shaikh and I'm a student like you, but my school is different. Actually, people like me are going from school to school just with the vision to make our students aware of the present situation, especially educational, and giving them a moral edge to prosper in both worlds, this world and the world hereafter. Alhamdulillah, I'm very happy. This is my third session in this school. Two sessions were earlier conducted at a boys' block. And today I got the honor to be with you here. So what language you are comfortable in, English or Urdu? Urdu, because Urdu maa hai aur angrezi zarurat hai. Dono ko bhi nazar andaz nahi kar sakte, hai na? To aaj ka jo mera session hai, hum log dekhenge, ye kaun sa mahina chal raha hai? Zilhaj, achha, theek hai janab. आपने मुझे बताया जिलहज महीने में क्या हुआ था ऐसे इंपॉर्टेंट. जिलहज महीने में क्या होता है ऐसा इंपॉर्टेंट कि उस बहुत अहमियत दी जाती है उसको. हाथ उठा के बताइए. यस बेटा बोलो बोलो बैठ के बोलो. कुर्बानी दी जाती है. अच्छा गोश आता है ना. दैट्स राइट. फैंटास्टिक. और क्या होता है जिलम हज महीने में? हज होता. हज होता right? और क्या होता? और क्या होता इसके अलावा? हज होता, कुर्बानी होती, और क्या होता? छुट्टी मिलती स्कूल को right? तो आज हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह कि हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इनकी जो स्टोरी है, इनका जो किस्सा है, सो व्हाट आर द लेसन्स फॉर अस, हमारे लिए इसमें क्या सबक है, हम लोग क्या सीख सकते हैं. हाजरा अलैहिस्सलाम कौन थी? हाथ उठा के बोलिए कोई भी. हाजरा अलैहिस्सलाम कौन थी? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा थी. ठीक है. और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी, है ना? ऑलराइट. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? क्या जानते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में? यस लेट आई थिंक आई शुड कम हियर. सो क्या जानते हैं हम उनके बारे में? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे? क्या थे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम? यस बेटा. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर थे नहीं थे? कुरान में जिक्र आया है उनका? कई बार आया है ना. बैठ जाओ बेटा. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इंशाल्लाह हम लोग अगले सेशंस, चूंकि ये जिलहज का महीना है तो हम लोग इस तरफ आ रहे हैं, अगले सेशंस हम लोग
आपकी स्टडीज़ के बारे में भी लेंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूँ कि ये सेशंस हम कंडक्ट कर रहे हैं, आज मेरे ख्याल में मेरा ये पिछले 5.5 साल से ज़्यादा अरसे से मैं हैदराबाद में हूँ और ये मेरा 580वां सेशन है, 580th। और बताने का मकसद ये है आपको कि हम लोग घूम रहे हैं स्कूल हैदराबाद में कितने स्कूल हैं, 4000 से ज़्यादा स्कूल होंगे, हम जा रहे हैं ताकि अपने बच्चों की अखलाकी तरबियत हो, मॉरल एजुकेशन उनको मिले, ताकि वो आज का जो दौर है, जो ख़तरनाक दौर है, इसमें वो साबित कदम रहें। और सबसे बड़ी बात ये अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं पैसे नहीं लेता हूँ आपके स्कूल से, एक पैसा भी नहीं, एक लिफाफा भी नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर इंशाल्लाह किसी स्कूल को, आपका स्कूल तो बहुत अमीर स्कूल है माशाल्लाह, लेकिन किसी स्कूल को ज़रूरत पड़ती है तो हम उनकी मदद भी करते हैं, स्टूडेंट्स की मदद करते हैं। तो मैं ये बता रहा था, मैं आपके जहन में ये, क्योंकि YouTube पे किसी ने कमेंट किया था कि शायद मैं पैसे लेके कंडक्ट कर रहा हूँ सारी चीज़ें, तो मुझे अल्लाह ने बहुत नवाजा है, बल्कि आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ताला नवाज रहा है, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए थे, कौन बोलेगा? अब आप नहीं, इधर से, कहाँ पैदा हुए थे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम? बैठो बेटा, बैठ के, मक्का शरीफ में? नहीं बेटा, मक्का में पैदा नहीं हुए वो, मक्का तो ही माइग्रेटेड टू मक्का। कहाँ पैदा हुए थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम? के नाम पे कुर्बानी का गोश्त खाने आता, कहाँ पैदा हुए सो नहीं मालूम, क्या है? मदीना शरीफ में भी पैदा नहीं हुए उन्होंने। शाहरुख खान कहाँ रहता मालूम है? नहीं, सबको मालूम, बम्बई में रहता। और कौन है वो, पता नहीं क्या 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 अजीब अजीब नाम है, सब उनकी हिस्ट्री मालूम है। विराट कोहली की शादी किससे हुई उसको मालूम है अपने को, है ना। वर्ल्ड कप का स्कोर क्या हुआ वो नहीं मालूम, हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं बेटा उसके ताल्लुक से मालूम रखना ना, मुसलमान के हिस्से से हमारे को मालूम होना ना चीज़ें। ये हम मुसलमान हैं या नहीं? सब मुस्लिम है ना ये, क्या कोई गैर मुस्लिम है इसमें? गैर मुस्लिम बच्चे रहे तो मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, क्योंकि और अटेंशन से सुनते हैं वो लोग। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक में पैदा हुए, अब याद रहेगा, बाबुल एक मुकाम था, कहा जाता है तारीख में कि ही बॉर्न देयर इन ए हाउस ऑफ ए प्रीस्ट। वहाँ का जो मजहबी पेशवा था, प्रीस्ट था, तो उसके घर में पैदा हुए, महंत कहते हैं जिसे हम कह सकते हैं उर्दू में समझाने के लिए, मजहबी पेशवा, उसके घर में पैदा हुए। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो बुतों की पूजा करती थी, आइडल वर्शिपर्स। ये किसी हमारे मुल्क में रहने वाले किसी मज़हब पे तनकीद नहीं है, बल्कि मैं एक किस्सा बयान कर रहा हूँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, दिस इज़ द स्टोरी। तो वो आइडल वर्शिपर्स थे और वो बुतों की पूजा करते थे। बुत समझ में आया? आइडल भी समझ में आया? इंडियन आइडल मालूम ही है अपने को, है देखते कलर्स पे, दूसरे इस पे, आइडल वर्शिपर्स। ऑलराइट, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद, जैसे मैंने बताया कि महंत थे, पुजारी थे सबसे बड़े, उस दौर में बादशाह कौन था वहां का जिसने खुदाई का दावा किया था? कौन था बादशाह जिसने खुदाई का दावा किया था उस दौर में? बोलिए, कौन बोले? फिरौन। फिरौन बोले? फिरौन नहीं, नमरूद। क्या नाम है बेटे आपका? नूरा। गिव ए बिग हैंड टू नूरा। बैठ जाओ। नमरूद बादशाह था। कुरान पढ़ते हैं हम लोग रमजान में, कितने कुरान खत्म करते हैं? 4, 5, 6, 8, कंपटीशन रहता,
लेकिन कुरान के अंदर क्या है समझते समझे बगैर कुरान पढ़े तो क्या फ़ायदा है. ट्रांसलेशन है ना उसके, तर्जुमे हैं. देर आर डिफरेंट ट्रांसलेशन इन मैनी लैंग्वेजेस, हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस. उर्दू में ट्रांसलेशन है, हिंदी में है, इंग्लिश में है. ट्रांसलेशन से कितने लोग पढ़े हैं कुरान पूरा, पूरा कुरान. सच्ची सच्ची बोलना, कुरान का मसला है ट्रांसलेशन से. इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन. जो हमारी मजहबी किताब है, जो अल्लाह का पैगाम है, वही अपन ट्रांसलेशन से नहीं पढ़े, अपने को मालूम ही नहीं उसमें क्या है. तो बेटे आप दोनों को कुछ प्रॉब्लम है, आपको और आपको, आप मेरी तरफ तवज्जो दीजिए. मैं 15 मिनट पे चला जाऊंगा, 20 मिनट बाद. आपका स्कूल, आपकी सहेली कहीं भाग के नहीं जाएगी वो, है ना. आप बाद में बातें कर सकते हैं उनसे, मैं चला जाऊंगा थोड़ी देर बाद. अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो अभी बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरे लिस्ट में अभी 15 स्कूल हैं इस हफ्ते कंप्लीट करना है मेरे को. मैं बता रहा था कि नमरूद उस वक्त बादशाह था. तो आज इंशाल्लाह हम आखिर में एक वादा लेंगे आपसे कि रोज एक रुकू कुरान का तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह. आपके घर में जो ट्रांसलेशन चलता, जमात मसलक नहीं, आपके अब्बा जो पढ़ते वो पाप पढ़ना, ठीक है. नमरूद बादशाह था वहां का, और वो बहुत जालिम बादशाह था. और सबसे बड़ी बात यह है कि नमरूद ने खुदाई का दावा किया था. नमरूद ने खुदाई का दावा किया था कि मैं खुदा हूं. बहुत सारे जालिम बादशाह गुजरे हैं, लेकिन नमरूद जो था उसने ये दावा किया कि मैं खुदा हूं, और सारे लोग उसको उसकी पूजा करते थे नमरूद की. और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे वो नमरूद के चीफ प्रीस्ट थे, बड़े पुजारी थे, और बहुत सारे बुत वहां पे रखे हुए थे. इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए, चूंकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने उन्हें पैगंबर बनाया था, तो अल्लाह तआला शिर्क से महफूज रखा उनको. शिर्क किसको कहते हैं कि अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना, है ना. दीनियत की क्लास होती है ना आपके पास, शिर्क समझ में आया. अल्लाह के अलावा किसी से मांगना, किसी को हाजत रवा समझना, किसी की इबादत करना, ये सारी चीज़ें शिर्क में आती हैं. ऑलराइट. तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये लोग बुतों की पूजा करते हैं और बादशाह की पूजा करते हैं, जबकि अल्लाह की इबादत होनी चाहिए. तो आप गौर करना शुरू किए, थिंकिंग. आपने देखा, बहुत किस्सा तवील है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ. आपने देखा कि ही जस्ट सॉ दैट वन नाइट ही वॉज जस्ट पॉन्डरिंग, ही इज लुकिंग एट द स्काई, देन ही सॉ अ स्टार. एक सितारा देखा उन्होंने, क्योंकि वो कौम सितारे की, चांद की, सूरज की पूजा भी करती थी. तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाने के लिए कहा कि ये मेरा खुदा है, क्योंकि ये चमकदार है. फिर सुबह हुई, सितारा डूब गया. तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि डूबने वाला मेरा खुदा नहीं हो सकता. और फिर आपने देखा कि चांद, कहा कि ये मेरा खुदा है. चांद भी डूब गया, ये मेरा खुदा नहीं हो सकता. फिर आपने सूरज को देखा, बड़ा सूरज निकल रहा है, हज अकबर, बड़ा है ये, रोशन है, ये मेरा खुदा है. सूरज भी डूब गया. आपने कहा कि ये भी मेरा खुदा नहीं हो सकता. फिर आपने एक आयत पढ़ी जो कुरान में भी है, जिसको हम नमाजें पढ़ते हैं. कौन बोलेगा? एक आयत है कुरान की जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का डायलॉग है, एक्चुअली वो उन्होंने बोले हैं वो, और जिसको हम हर नमाज शुरू करने से पहले पढ़ते हैं. क्या है वो? नमाज को जाते ही ठहरते ही अल्लाह अकबर तो बोलते जी खलाजान, सना इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी
فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين اني وجهت وجهي پھیر لیا میں نے اپنا رخ وجہ کہتے ہیں چہرے کو پھیر لیا للذی فطر السماوات والارض اس خدا کریم کی طرف جو زمینوں اور آسمانوں کا خالق ہے وما انا من المشرکین اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں اور میں یکسو ہوں حنیفوں بھی آیا ہے لفظ آپ نے کہا اور اس کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں من پڑھتے ہیں نا اس کے میننگ کیا ہے آج جا کے گھر پہ آپ کا ہوم ورک ہے گھر پہ جانے کے بعد یا آپ کے جو دینیات کے مول صاحب ہیں ٹیچر ہیں ان سے پوچھنا کہ انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کے میننگ کیا ہے آپ نے کہا پھر آئے دیکھا کہ ان کے والد جس جگہ پہ جس بت خانے کے انچارج تھے ہر سال بغداد میں بابل میں ایک میلہ لگتا تھا تو سارے لوگ شہر سے باہر جاتے تھے اس میلے کے واسطے ان کو ہی بولے چلو تو ابراہیم علیہ السلام بولے کہ نہیں آج میری طبیعت خراب ہے ان کی پلاننگ کچھ اور تھی ان کی پلاننگ وہ مسکرا رہی ہے بچی اس کو معلوم ہے کیا پلاننگ تھی اب کیا ہوا سب لوگ چلے گئے ابراہیم علیہ السلام لیے کلاڑی پورے بتوں کو توڑ دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے بتوں کو توڑ دیے اور ایک بڑا بت جو رکھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں کلاڑی دے دی ایسا ہی اب آئے واپس لوگ میلے سے آ کے دیکھے کیا ہے یہاں پر پورے بت ٹوٹے ہوئے ہیں کون توڑے کون توڑے کون توڑے کون توڑے اب شہر میں سوائے ابراہیم کے دوسرے کوئی نہیں تھے اب ابراہیم علیہ السلام کو پوچھے تم توڑے کیا بتائیں ارے میں کب توڑو وہ بڑا بت غصے میں آ کے سب کو توڑا ہوں گا میں اس کو غصہ آیا ہوں گا ان سب کو توڑ ڈالا ہوں میرے کیا معلوم تو نے بولے کہ اس میں جان ہے کیا توڑنے کے واسطے تو نے بولے کہ جب اس میں جان نہیں ہے تو پھر اس کی پوجا کیوں کرتے پھر تم اس کی عبادت کیوں کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے تو کہا کہ اچھا تو یہ ابراہیم تمہارا کارنامہ ہے اب غصہ ہوئے بہت غصہ ہوئے آگ بگولا ہو گئے کیونکہ ان کے معبودوں کو توڑا گیا فرعون کے دربار نمرود کے دربار میں جا کے پہنچے اب نمرود بولا اے ابراہیم کئی کو بغاوت کر رہے ہیں میرے سے ابراہیم علیہ السلام بولے کہ دیکھو جن چیزوں کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو ان کی عبادت کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام بولے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے سب کا مالک اور خالق ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے ایک گاڈ ہے ہندی میں جیسے کہیں گے پرمیشور ہے ہاں گاڈ ہے خدا ہے اللہ ہے سب کو اس نے بنایا ہے اور وہ ہم سب کا پالنے والا ہے اور اسی کی عبادت کی جانی چاہیے تو پھر نمرود بولا اچھا تمہارے خدا میں کیا ایسی خاص بات ہے بتاؤ میرے کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ ہمارا خدا زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے نا قرآن میں قصہ ہے پورا اور بولا کون سی بڑی بات ایک قیدی جس کو موت کی سزا ہونے والی تھی اس کو بلا کے بخش دیا اس کو بلا میں زندگی دی مل گئی اس کو ایک بیچارہ چپ بیٹھے سو تھا اس کو مار دیا ختم کر دیا بولا کہ زندگی میں بھی دیتا ہوں موت میں بھی دیتا ہوں اور اب ابراہیم علیہ السلام بولے کہ میرا خدا سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا قرآن میں کہتے ہیں قرآن میں ذکر ہے کہ وہ ایک دم ششدر رہ گیا کچھ جواب نہیں دیا ایک دم ششدر رہ گیا اس کے پاس جواب ہے نہیں کر سکتے کیا جیسے گوتم بدھا کے بارے میں بھی ہے جب وہ جا رہے تھے تو بارش آ رہی تھی تو انہوں بولے کہ میں بادشاہ ہوں تو بارش کو روکو بارش کو تو بولے کہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر کئی کی بادشاہت بول کے انہوں چھوڑ کے چلے گئے تھے انہوں ہے نا ایک ان کا بھی ایک قصہ ہے اب ابراہیم علیہ السلام کو بولے کہ اب اس کو سزا دینا کیونکہ ہمارے بتوں کی نافرمانی کیا بادشاہ کی بے عزتی کیا بتوں کو توڑا اب اس کو طے یہ ہوا کہ آگ میں جلایا جائے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب آگ روشن کی گئی
वो आग कई दिनों तक जलाए हो, कितनी बड़ी आग होंगी वो, कितनी बड़ी आग होंगी वो। अब हमारे ऐसा रहता तो क्या बोलता था, जान छोड़ो भाई, कई क्या से अपने अपने दिल में रख लेंगे, बोल के कहाँ परेशानी मोल लेना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान मजबूत था क्योंकि अल्लाह के नबी थे। आपने कहा कि मेरी जान गई परवानी, मैं मर गया परवानी, जल गया परवानी, लेकिन अल्लाह एक है, उसी को मानूंगा मैं, दूसरों को नहीं मानूंगा। बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिए। अब यहाँ पे यकीन और ईमान की बात है। आज हमारा ईमान थोड़ी चीज़ों में डुलमुल जाता है, है ना। अल्लाह का हुक्म साइड में रख देते अपन, अल्लाह के रसूल का हुक्म साइड में रख देते, अपना दिमाग, अपनी सोसाइटी, अपने जैसा वो सोचते हम लोग, जबकि सबसे पहले अल्लाह है, उसके बाद सब है, है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने वाले थे। अब एक किस्सा है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन थे मालूम है ना, कौन थे, क्या थे वो, फरिश्ते थे। उनका काम क्या है जिब्राइल अलैहिस्सलाम का, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ गैब्रेल, पानी बरसाना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम नहीं है पानी बरसाना, चल क्या है, ओ माशाल्लाह तबारकल्लाह, मैं अल्लाह ब्लेस यू ऑल, आप लोगों पे अल्लाह रहमत नाजिल करे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम अल्लाह का पैगाम नबियों तक पहुंचाना है, वही लेके आते हैं, है ना, रेवलेशन, ही इज अ मैसेंजर हु कैरीज रेवलेशन फ्रॉम अल्लाह टू द प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स। ऑलराइट, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके बोले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, क्या इब्राहिम आग में डाल रहे हैं तुम्हारे को, अगर आप हुक्म दिए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पर बहुत बड़े बड़े हैं, ए जस्ट इमेजिनेशन, या फिजिकली वी कैनॉट सी द एंजल्स, वी कैनॉट सी द जेन्स, दीज आर ऑल मुतशाबिहात एंड वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस, इट इज मैंशन इन द कुरान एंड हदीस, वी बिलीव इट, बट विथ आवर नेकेड आइज वी कैनॉट सी दैम, इज़न्ट इट। अगर फरिश्ते नजर आने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना अपने को, तो अल्लाह सुब्हान व तआला अपनी नज़रों से पोशीदा रखा। हाँ, मौत के वक्त नज़र आते, लेकिन हाँ फिर उसके बाद तौबा का रास्ता बंद हो जाता। एनीवे, जिब्रील अलैहिस्सलाम आके बोले, क्या इब्राहिम अब आपको आग में डाल रहे हैं, अगर आप मेरे को ऑर्डर करें, हुक्म दिए, तो मैं एक पर ऐसा मारता हूँ आग पूरी बुझ जाती। जिब्रील अलैहिस्सलाम आके बोले, अपने ऐसे रहे तो अपन क्या बोलते थे, अरे सही टाइम पे आए उस्ताद, पहली फुर्सत में बुझाओ ये। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान बड़ा मजबूत था और अल्लाह सुब्हान व तआला ने बहुत तारीफ की है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक लकब भी मिला है, क्या कौन बोलेगा वो लकब, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह एक लकब दिया, जैसे मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह से बात करने वाले, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक लकब है, हाँ, खलीलुल्लाह, क्या नाम है आपका, फौजिया, गिव अ बिग हैंड टू फौजिया। अब खलील के मीनिंग क्या है, खलील दोस्त, माशाल्लाह, अल्लाह के, अल्लाह सुब्हान व तआला अपना दोस्त बोल रहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले कि ऐ जिब्राइल, तेरी मदद की जरूरत नहीं है मेरे को, जिस अल्लाह के खातिर मेरे को आग में डाला जा रहा है, क्या वो नहीं देख रहा क्या, अल्लाह अलीम व खबीर है ना, जानता है हर चीज को, तो जब अल्लाह को मालूम है तो अल्लाह सुब्हान व तआला की मर्जी रही तो मेरे को बचा लेगा, नहीं तो मैं जल जाऊंगा, मेरे को क्या करना है। ये ईमान था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो उसी वक्त अल्लाह सुब्हान व तआला ने आग को हुक्म दिया, कौन सी आयत है, कौन बोलेगा वो आयत है, एक पर्टिकुलर बुखार आया तो पढ़ते हम, दम भी करते हमारे मौल साहब, कौन सी आयत है, चले ठीक है कोई मसला नहीं है, होता है हमारा मौशरा अल्लाह और उसके रसूल की किताब से कटा हुआ है,
इसकी वजह से आज हमारे पास सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हम अपने मज़हब को ही नहीं जानते हम लोग। कसूर आपका नहीं है बच्चों, कसूर मेरा है, मेरे से बड़े लोगों का है कि अपने घरों में हम तालीम का इंतज़ाम नहीं किया। हम बच्चों को इंग्लिश की ट्यूशन तो दिलाते हैं, फिज़िक्स की दिलाते, मैथमेटिक्स की दिलाते, लेकिन दीन क्या है नहीं बताते अपने बच्चों को। और बड़े होकर बच्चे बगावत करते, घर से भाग के जाते, गुंडागर्दी करते, तो फिर रोते हम, हमारे बच्चे ख़राब निकले बोल के। आप अच्छा बनाने के घर में इंतज़ाम किए नहीं, मेरे से लोग जिम्मेदार हैं। वो आयत थी या नार कुनी बरदं व सलामुन अला इब्राहिम। अल्लाह सुभान व तआला ऑर्डर दिए, ऐ आग तू ठंडी हो जा, ठंडी हो जा, लेकिन इतनी भी ठंडी ना हो कि मेरे इब्राहिम को नुकसान पहुंचे। आग जो है, रिवायतों में आता है कि आग जो है ना गुलजार बन गई, गार्डन बन गई वो आग। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके अंदर बैठे हुए हैं। अल्लामा इकबाल एक शेर बोले थे इस पे, उर्दू है सब्जेक्ट आपका, अल्लामा इकबाल को पढ़ना चाहिए, है ना, अल्लामा इकबाल को बहुत पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको एक विजन मिलता है उसमें। उर्दू शायरों के जैसे सिर्फ महबूबा की तारीफ नहीं करते, उन्होंने एक विजन देते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा। आज भी अगर ईमान रहा तो आग हमारे लिए गुलिस्तान बन सकती है, क्योंकि आग भी अल्लाह के हुक्म से। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि आप वहां से हिजरत करो, हिजरत टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैज डिसाइडेड टू माइग्रेट and he took his wife Hazrat Sara aur unhone migration kiya, phir aapki ek aur zauja muhtarma Hazrat Hajira hai na, Hazrat Hajira alaihi salam, ye dono ko leke aap migrate kiye। Qissa bahut taweel hai, waqt kam hai, aap logon ki bhi classes hain dusri। Ab ye ke uske baad Allah subhanahu wa taala इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपनी बीवी हाजिरा को लेकर मक्का का जो रेगिस्तान है वहाँ जाओ, और बीवी बच्चों को वहाँ छोड़ के आ जाओ। देखो एक चीज़ है, आप लोग छोटे हैं बेटा, लेकिन 8, 9, 10th है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप, हम जो बड़े लोग हैं, हम लोग जो सारी हमारी गलतियाँ होती हैं या जो गुनाह के काम करते हैं कमाने के चक्कर में, वो यही सोच के करते हैं कि बच्चों के वास्ते कर रहा हूँ मैं, बोलते उल्टा पुल्टा जो भी करें बच्चों के वास्ते कर रहा हूँ मैं बोलते। और बच्चों को हम, अब मेरे भी 5 बच्चे हैं, हाँ 4 बेटियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तरह ही है माशाल्लाह, और एक बेटा है मेरा, और मेरी बड़ी बच्ची मेडिकल 3rd ईयर में पढ़ रही है और गवर्नमेंट सीट मिली है उसे, और एक बच्ची बीए साइकोलॉजी कर रही है और आलिमा का कोर्स भी कर रही है, ठीक है। मेरा एक बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। हमारे घर में भी आपकी तरह ही बच्चे हैं। हम लोग बच्चों की मोहब्बत में कुछ भी कर सकते हैं, अपनी तकलीफ भूल जाते हैं हम लोग। बच्चों को बुखार आया तो हम रात भर जागते हैं, आपके वालिदैन भी जागते हैं। आपके वालिदैन खुद कपड़े नहीं सिलाते, आपके वास्ते सिलाते। आपके वालिद साहब 2-2 साल वही जूता पहनते। ये देखिए मेरा भी जूता है, मैं 2 साल से जूता ख़रीदने का प्लान कर रहा हूँ, अब तक नहीं लिया। जब भी जूता ख़रीदने जाता हूँ बच्चे याद आते हैं, उनके वास्ते ख़रीद लेता हूँ। ये माँ बाप की मोहब्बत है। अब उस वक्त इब्राहिम को कहा गया कि जाओ अपने बीवी बच्चे को रेगिस्तान में छोड़ के आओ, क्या दिल पर गुजरी होंगे उनके, या अल्लाह रेगिस्तान, सऊदी अरब का मक्का का टेम्परेचर अपने यहाँ 46 पहुँचा था हैदराबाद में, तो हालत ख़राब हो गई थी अपनी, है ना, 54 डिग्री रहता वहाँ पे। मैं रहा हूँ सऊदी अरब में जॉब के सिलसिले में, इतना उबलता हुआ पानी आता नल में कि खाली चाय की पत्ती शक्कर डाली तो चाय बन जाती है वहाँ पे। अभी भी उस ज़माने में रेगिस्तान, बीवी बच्चों को छोड़ के रेगिस्तान के अंदर आ गए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह आजमा रहा था, और अल्लाह जिससे भी मोहब्बत करता ना उसको आजमाता, आसाइशें लग्जरीज दे के आजमाता,
یا نقصان دہ کے آزماتا. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آ گئے, ان کی بیوی اب ہمارے سے رہتی تھی آج کی. حضرت کا دماغ خراب ہوا, کہاں چھوڑ رہے ہیں, عقل ہے, سائیکٹرسٹ کے پاس لے جاؤ ان کو پہلے, نہیں تو بابا کے پاس لے جاؤ تعویذ پناؤ اس کو پہلے بولتے تھے. لیکن وہ فرما بردار خاتون تھی حضرت ہاجرہ, ایک بہترین بیوی تھی. اور سب سے بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی سب سے زیادہ اطاعت اور فرما برداری کرے, بشرطیہ کہ اس کا حکم کوئی اللہ کے خلاف نہ ہو. اور اسی طرح سے سب سے بہتر شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو. چھوڑ کے آ گئے, گود میں بچہ اسماعیل علیہ السلام, گود میں چھوٹا بچہ چند مہینوں کا, پیاس کا عالم. یو جسٹ امیجن دا سینیریو, ایک تصور ذہن میں لاؤ کہ کیسا سین ہوگا. وہ بچہ رو رہا, ایک قطرہ پانی نہیں ہے, صورت سر پہ ہے. اب حضرت ہاجرہ کی تڑپ, میرے بچے کو ایک قطرہ پانی تو ملنا کہاں سے. آپ ایک پہاڑ صفا ایک پہاڑ مروا اس کے بیچ میں چکر لگا رہے ہیں پانی ڈھونڈنے کے واسطے, اس کے بیچ میں چکر لگا رہے ہیں. ادھر کچھ تو بھی دکھتا کیا, ادھر کچھ تو بھی دکھتا کیا, کیسا بھی میرے بچے کو پانی ملا تو بس ہے. آپ رونا آ جاتا, وہ منظر اگر ہم امیجن کریں نا, رونا آ جاتا آنکھوں سے. ہم تو ڈرامے دیکھ کے روتے, خالی ساز بھی کبھی بہت ہی, لیکن یہ ریئل واقعات ہیں ہمارے پاس جو ہماری تاریخ میں ہوئے ہیں. آپ آنسو بہاتی ہوئی, یہ پہاڑ سے وہ پہاڑ, وہ پہاڑ سے یہ پہاڑ, سات چکر آپ لگائے صفا اور مروا, بٹوین دا ٹو ہلس. اس دوران کیا کریں, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پیر کی ایڑیاں رگڑے, ہے نا. تو وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا, انسان کی لمٹ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا, مولا ہے وہ. ایک میریکل, ایک معجزہ ہوا کہ آپ جو پیر رگڑ رہے تھے اس جگہ سے پانی کا چشمہ پھوٹنا شروع ہوا. آپ دیکھو ریگستان ہے, وہاں پہ اپنی یہاں بور ویل 200-250 فٹ پہ میکزیمم, یا 300 فٹ پہ, بہت ڈیپ گیا تو 500 فٹ پہ لگ جاتا پانی. ابھی میں ڈلایا ہمارے ایک گھر میں, یہاں پہ 70 فٹ پہ ہی پانی لگ گیا, 60 فٹ پہ. سعودی عرب میں 5000 فٹ ڈرل کرنا پڑتا پھر بھی نہیں لگتا. آئی ایم ٹیلنگ یو, اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑے, پانی آ گیا, پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا. حضرت ہاجرہ رضی اللہ علیہ السلام جب آئے, دیکھے انہوں, یا اللہ یہ تو ایک معجزہ ہے, میرے اللہ کی مدد آ گئی. تو آپ پانی ادھر ادھر نہیں بھرنا بول کے سائڈ سے مٹی کیسے بناتے نا, تو آپ زم 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 بولے اس کو, یعنی رک جا رک جا رک جا, جم جا جم جا, اسی وجہ سے اس کا نام زمزم ہے. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پانی کو دیکھ کے, ادھر سے قبیلہ جا رہا تھا, ارے یہاں پانی ہے, ریگستان میں پانی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے یہاں بولتے نا کہ پانی کی جیسا پیسہ مت بہاؤ بولتے ہیں, وہاں بولتے ہیں کہ پیسے کے جیسا پانی مت بہاؤ. ایک لیٹر میرے خیال میں 18 روپے میں 2 یا 3 لیٹر پیٹرول آتا, اور 40 روپے میں 1 لیٹر پانی کی بوٹل ملتی وہاں پر ابھی بھی. تب اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی پریشیس چیز تھی اس دور میں. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ ان کی پرورش ہوئی, وہ قبیلہ آ کے بس گیا. مکہ کی تاریخ, اور مکہ جو ہے حرم شریف جو ہے مکہ کا, جس کے پاس حج کو جاتے ہیں ہم لوگ, یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی بنا ہوا ہے, بنیادیں اس کی تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام آ کے اس کو دوبارہ اسٹیبلش کیے, وہ حرم بنا. اب
एक आजमाइश घर छोड़ने की हुई, आग में डालने की हुई, बीवी बच्चों की हुई, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या किए कि मेरी सबसे प्यारी चीज क्या हो सकती, आप एक 10 ऊंट जुबा करें, है ना किस्सा। फिर उसके बाद बाद रिवायतों में आता है कि आप करते करते 100 ऊंट 200 ऊंट तक भी पहुंच गए, फिर भी आ रहा। तो फिर आप बोले कि नहीं, सबसे प्यारी चीज तो मेरा बेटा है, औलाद से ज्यादा मोहब्बत किससे भी नहीं रहती, है ना, मेरा बेटा है, अब उसको कुर्बान करना है। कितनी बड़ी आजमाइश है, अपनी औलाद को अपने हाथ से जुबा करने का हुक्म। अपनी बीवी के पास पहुंचे, और कैसी बीवी थी वो, आज की बीवी को अगर खुदा ना खास्ता होती, मैं तरकीद नहीं कर रहा, मजाक के तौर पे बोल रहा हूं, मोबाइल उठा के फौरन बाबा को कॉल करती, जरा आओ जरा घर को, तुम क्या क्या की बात कर रहे हो, फिरा दिखता है इनका सिर, ननन समझाई होंगी हमारी कुछ तो भी, बल्कि वो भी एक इल्जाम रहता फिर, ठीक है, ननन बोलते क्या बोलते हो, द सिस्टर ऑफ हस्बैंड, देवर भाभी शायद, एनीवे, सो व्हाट हैपेंस, हजरत हाजरा बोले क्या इब्राहिम, अगर अल्लाह का हुक्म है तुम्हारे को तो मेरी तरफ से फुल इजाजत है। बाप का दिल फिर भी जरा घट रहता है ना, लेकिन मां का दिल तो अपनी औलाद के लिए एकदम नरम रहता, लेकिन वो बोल रही है कि इब्राहिम अगर अल्लाह का हुक्म है तो लेके जाओ, परवाह नहीं, सबसे पहले अल्लाह बाकी बाद में सब। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को पूछ रहे हैं, बेटा मैं ख्वाब देखा ऐसा, आपको ऐसा जुबा कर रहे हैं, कुर्बान करना है आपको। तो दूसरा बेटा रहा तो बोलता था, ओ हजरत किधर, मैच मिलोंगे सुबह सुबह, दिस इज व्हाट वी से, अस्सलाम रहमतुल्लाह, बट व्हाट डिड ही से, ही सेड या अबती इफ अल, मुझे आयत याद नहीं आ रही, इफ अल फला तो अमिर, ऐ मेरे बाप वो काम कर गुजरिए जिसका तो आपको हुक्म दिया गया है। बेटे की फरमा बरदारी देखो, कैसी फरमा बरदारी बेटे की, क्या है मेरे बाप, ऐ मेरे वालिद वो काम कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म दिया गया, इंशाअल्लाह अकुन मिनस साबिरीन, और इंशाअल्लाह आप मुझे सबर करने वालों में से पाएंगे। आज हम अपने वालिदैन की कितनी बात मानते हैं, जरा कंपेयर करो थोड़ा सा, स्कूल पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ा एहसान हो गया अपना, आप लोग नहीं, आप लोग अच्छे हैं, किसी और के बारे में बोल रहा हूं मैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा एहसान हो गया स्कूल पढ़ रहे हैं तो, लाके अपना बस्ता ऐसा फेंके, शूज एक तरफ वो एक तरफ, आराम से बैठ गए, न कभी वालिदा की किचन में मदद करते हैं हम लोग, आप लोग नहीं, आप लोग करते हैं, किसी और के बारे में बोल रहा हूँ, फिर न तो पकड़ के सब यहीं जाने नहीं देंगे मेरे को, यहाँ से सर को ले जाना पड़ेगा फिर मुझे बचा के, आप लोगों से, आप लोग बहुत अच्छे हैं, न वालिदा की मदद करते हैं, न वालिदा से कभी हम उनकी खैर पूछते हैं, अपना काम क्या, स्कूल पढ़े, होमवर्क करे, टी वी लाले, केबल चैनल चेंज, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मोबाइल चैटिंग, दूसरे दिन स्कूल, फिर टिपिकल हर घर 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 की स्टोरी है। लेकिन वो कैसा फरमाबरदार था बेटा कि अपने वालिद को बोला, और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि घर के काम करने में, किचन का काम, साफ सफाई का काम, कपड़े धोने का काम, घर का जितना भी काम है, आपको उतना सवाब मिलता है जैसा कि एक आदमी अल्लाह के रास्ते में जाके जिहाद कर रहा है। ये हदीस है, औरतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, बोले क्या रसूलल्लाह, मर्द तो जाते हैं अल्लाह की राह में तबलीग के लिए जाते हैं, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए जाते हैं, लड़ने के लिए जाते हैं, दीन का काम करते हैं, बाहर चलते फिरते हैं, सवाब बहुत कमा लेते, हम औरतों को क्या सवाब मिलता घर में बैठे बैठे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कि तुम जो अपने घर का काम करती हो, चूल्हा, चक्की, हांडी, सफाई, बच्चों की परवरिश, तुमको उतना ही सवाब मिलता जितना कि किसी वो मर्द को जहाद में और अल्लाह के दिन की तबलीग करे। आपको घर बैठे सवाब मिल रहा, आप खाली रोटी डाले तो जहाद का सवाब मिल रहा है। ये देखो वो बेचारा जाना कब, अब आज के दौर में तो वो भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि फरमाबरदारी इस्माइल से सीखो। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि वो फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। आज बच्चे बागी हो रहे हैं हमारे, माँ बाप का कहना नहीं मानते। माँ बाप का क्या है, एक चीज याद रखो, माँ बाप, कोई माँ बाप दुनिया में, जालिम से जालिम माँ बाप भी अपनी औलाद के बारे में बुरा नहीं सोचता। इसलिए कि आपसे ज्यादा दुनिया देखे से उन्हों, आपसे ज्यादा दुनिया को जानते हैं वो लोग, उनको मालूम है सरद गर्म क्या है मौसम का। वो चाहते हैं, प्रोटेक्शन देना चाहते हैं कि मेरे बच्चा, मेरा बच्ची जो है ना प्रोटेक्टेड रहे। इंशाल्लाह कभी हम इताअत वालिदैन पे सेशन करेंगे, अल्लाह ताला कभी मौका दिया, जिंदगी बाकी रही। लेकिन आज एक वादा कीजिए कि अपनी वालिदैन, वालिदा की और वालिदैन की बात जरूर सुनेंगे आप लोग इंशाल्लाह, इताअत और फरमाबरदारी करेंगे। एक बात याद रखो, किसी की दुआ, कोई बाबा, कोई मुर्शद, मैं भी मुर्शद घर का हूं, मेरे वालिद भी सज्जादा है, आप ये मत समझो कि मैं मुर्शद के खिलाफ बोल रहा हूं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि कोई बाबा, कोई वली, कोई पीर, कोई मौलाना, कोई हजरत की दुआ उतनी नहीं लग सकती जितनी आपकी मां की और बाप की आपको लगती। अल्लाह फौरन कबूल करता। लेकिन एक बात और भी याद रखो कि बददुआ भी वैसी लगती। फिर मैं कई हमारे दोस्तों को देखा हूं जो मेरे साथ थे, माँ बाप का अदब नहीं किए, आज छोटे छोटे काम करने पे मजबूर हैं। आपके वालिदा अगर आपको टीवी देखने से रोक रहे हैं, मोबाइल से रोक रहे हैं, तो आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं वो लोग, आपसे दुश्मनी है उन लोगों को। आपको यकीन नहीं बेटा, आज का दौर में घर चलाना कितना मुश्किल है। आपको नहीं मालूम आपके वालिद कितनी परेशानी से कमाते हैं, पेट काट काट के अपना तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं वो लोग। मेरे घर में 5 बच्चे हैं, ऑटो के 20,000 रुपए जाते हैं मेरे महीना। हमको मालूम है घर कैसे चल रहा है। आपके वालिदैन, आपकी वालिदा, आपकी वालिदा, आप देखे होंगे कि ईद में भी सबसे सस्ता जोड़ा वो अपने लिए खरीदती है, आपके लिए सबसे महंगा जोड़ा खरीदती है, खरीदती नहीं खरीदती। तो आपका फर्ज है इताअत करना। अगर गलती हुई है आपसे उनके साथ, गुस्ताखी क्या है, क्या मालूम जी तुम्हारे को, पढ़े से होंगे तुम, फिजिक्स क्या रहता मालूम तुम्हारे को, छिप हुशारी करते हैं। अपने वालिदैन को कुरान कह रहा उफ तक मत बोलो, उफ। अगर हमारे से गलती हुई तो आज जाके माफी मांग लेना अपने वालिदा से, अपने वालिद साहब से। एक बच्ची मेरे पास आई, एक स्कूल में प्रोग्राम हुआ था, आपकी तरह ही प्रोग्राम खत्म हुआ, उसके बाद वो रोने लगी, कहा कि अपनी, मेरी अम्मी से बात कराओ आपके फोन से। मैं उसकी अम्मी से फोन से बात कराया तो माँ से माफी मांगी वो, और बोली कि सर मैं 6 महीने से अपनी माँ से बात नहीं कर रही थी। कौन सी औलाद है जो अपनी माँ से दुश्मनी करे? क्यों मेरी बड़ी बहन को ज्यादा चाहते, मेरे को कम चाहते? माँ बाप सबको बराबर नजर से देखते हैं, ऐसा मत समझो कि एक को ज्यादा, आपके नजरिए में फर्क है वो। तो हजरत इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम की इससे हम सीखना। वालिद साहब लिटाए उनको, देखो लिटा दिया नीचे। फिर इब्राहिम, रिवायतों में आता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले कि ऐ मेरे वालिद, आप बाप हैं मेरे, मेरी गले पे छुरी चलाते हुए आपको हिचकिचाहट होंगी, बेहतर है कि आंख पे पट्टी बंध लो, देखो बेटा कैसा है। पट्टी बंध लिए और जब छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे लाए, अल्लाह सुब्हान व तआला का टेस्ट कंप्लीटेड। ये टेस्ट था अल्लाह का, इट्स कंप्लीटेड। उसी वक्त जन्नत से एक बकरा दुम्बा आ गया, उसको काटे। मैं आवाज आई तो बोले कि इस्माइल ऐसी किसी आवाज निकाल रहा, आंखें खोल के देखे तो दुम्बा है, इस्माइल वहां ठहर के मुस्कुरा रहे हैं। तो कहा कि ये टेस्ट भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैज सक्सेसफुली पास्ड, कि ये टेस्ट भी आप
पास कर चुके हैं और वो सुन्नत कुर्बानी की आज तक हमारे पास कायम है। कुर्बानी देते नहीं देते हम लोग? जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनको सवाब है, जो अपनी गरीबी की वजह से कुर्बानी नहीं दे रहे हैं उससे डबल सवाब है अल्लाह के पास उनको, क्योंकि अल्लाह के पास ना गोश्त जाता ना खून जाता, हम ही खाते। बल्कि क्या होता मालूम है, कुर्बानी के गोश्त में ही पार्शियलिटी होती मालूम मेरे को भी। वो बड़ी थैली खाला की है, छोटी थैली फूफू की है, इधर की उधर करा तो गया समझ लो चलता है, वो रात निकाल के रखो हमारी बड़ी आपा के हंसते चलता है, चलता घरों में। जबकि ये के बेहतरीन आपकी कुर्बानी के हकदार जो ना गरीब लोग हैं। हम लोग कुर्बानी का गोश्त जो है, बकरी की कुर्बानी, बकरी की जो कुर्बानियाँ होती हैं जानवर की जो होती है, तो उसका तकसीम करते हैं बाज गरीब इलाकों में जाके। तो वो लोग, एक बुढ़िया ने मुझसे कहा था, एक ज़ईफ़ खातून ने मुझसे कहा था कि हम साल भर इंतज़ार करते गोश्त खाने का, इसके साथ पेट भर खाएंगे बोल के। बहुत गुर्बत है दुनिया में, आपको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का, हमारे पास शुक्र नहीं है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी नोए आदम को एक पहाड़ सोने का दे दिया जाएगा तो दूसरे पहाड़ की तमन्ना करेगा कि और एक पहाड़ भी सोने का होना मेरे को, उसका पेट तो कब्र की मट्टी भर सकती। एक वक्त में अगर आप 100 जोड़ भी सिला लिए कितने पहन सकते हैं एक वक्त में? कितने? 10 डाल लेके आते क्या स्कूल को? एक 100 कमरे का महल है आपका, एक वक्त में कितने कमरे में सो सकते हैं? 10 कारा है घर में तुम्हारे, एक वक्त में कितने कार में बैठ सकते हैं? हिरिस है इंसान की ये खाली, और हल मिन मजीद और कुछ है क्या? और लाओ। अरे बाजू वाले के घर में टीवी आया, हमारे पास अभी डब्बा टीवी है, एलईडी नहीं है हमारे पास। बाजू वाले के हिसाब से अपने घर का बजट बनते रहता। तुम्हारी बहन के पास आया देखो वो फ्रिज नया, हमारे पास वही खटारा है पुराना, वो झगड़े शुरू घर में, सारे झगड़े लग्जरीज के बारे में रहते हैं। ऑलराइट, सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबे की तामीर शुरू की, और फिर अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से हुक्म आया कि यहाँ पे हर साल लोगों को हज के लिए बुलाओ, लोग हज के लिए जाते हैं। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत, हज़रत हाजरा की वो सुन्नत, लोग बोलते हैं कि औरतों को हकूक नहीं है इस्लाम में, इस्लाम में औरतों को जितने हकूक दिया किसी मज़हब में नहीं दिया, जेंडर इक्वालिटी के नाम पे औरत पे बोझ डालते हैं। आप लोग हैं इंशाल्लाह ऐसे प्रोफेशन सिलेक्ट करो आप लोग कि जिससे सोसाइटी का फ़ायदा हो, मुल्क का फ़ायदा हो, उम्मत का फ़ायदा हो। डॉक्टर बनो, ठीक है, टीचर्स बनो, प्रोफेसर बनो, साइंटिस्ट बनो, बनो आप। कल एक बच्ची मेरे को पूछ रही थी कि मैं मॉडल बनना चाहती हूँ, फिल्मी मॉडल। मैंने कहा बेटा उसमें है क्या सिवाय कि अपने नंगेपन का मुजाहरा करें आप? एक शरीफ बच्ची कर सकती हो? आप बने ज़रूर, शरीयत आपको जहाँ तक की इजाज़त दे रही है आप ज़रूर जाएं वहाँ तक, लेकिन इसका मकसद सोसाइटी का फ़ायदा भी होना, मुल्क का फ़ायदा होना, हमारी मुल्क का, जिस मुल्क से मोहब्बत करना चाहिए हम रह रहे हैं यहाँ पे, अपने घर का आपका नाम रोशन होना चाहिए। औरतों में मैं इंशाल्लाह कभी बताऊँगा कि बाज़ सहाबियात इतने दर्जे के आलिम थे कि बड़े बड़े मर्द उनके पास पर्दे के बाहर बैठ के उनसे दर्स लेते थे। इल्म मर्दों की डोमेन नहीं है, औरतों का सबसे बड़ा हक है। एक तालीम याफ्ता बच्ची, एक तालीम याफ्ता औरत 100 नस्लों को सुधार सकती है, और एक जाहिल औरत से 100 नस्ल बिगड़ भी सकते हैं। पढ़ो लेकिन अल्लाह के खौफ के साथ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे किया, फिर सारी दुनिया से लोग हज को जाते हैं, हज करके आते हैं, अपने गुनाह की माफ़ी मांगते हैं, और फिर उस दौरान हम लोग यहाँ पर कुर्बानी करते हैं। सही है ना? हमारे कुर्बानी का मकसद ये है कि बकरा, गोश, चमड़ा, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये असल चीज़ आपकी नियत है। अगर आपकी नियत दिखावा है, अब आजकल तो बहुत फैशन हो गया, 15,000 का बकरा लिया ना, मैं 25,000 का लिया, अल्लाह के नज़दीक कोई उसकी कदर नहीं है। आपकी नीयत अगर खालिस है,
کہ میں صرف اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں اور اس کا مقصد بھی کیا ہے. The logic behind the sacrifice کہ مولا آج یہ بکرا قربان کر رہے ہیں ہم لوگ, لیکن کل کو اگر تیرے دین کے واسطے ہو تو اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے اصل چیز. پھر گوشت بھیجتے ہمارے کو, کتنے حصے ہوتے ہیں؟ حصے معلوم ہے اپنے کو, الحمدللہ بہت خوشی ہے. ایک حصہ رشتہ داروں کا, ایک حصہ غریبوں کا, اور ایک حصہ اپنا. ڈیپ فریزر میں 6 مہینے تک کھاتے پھر اس کو, سب ڈیپ فریزر میں آ رہا. رائٹ, نو پرابلم, کھا سکتے ہیں, اللہ اجازت دی آپ نے کو, کھانا چاہیے, کیوں نہیں کھانے. اب ہم اپنے رشتہ دار اپنے دوست کے پاس گوشت بھیجتے ہیں, کیا اس کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی سو رہی تھی؟ اس کے پاس بھی گوشت رہتا, کیا ان غریب رہتا؟ اس کے پاس بھی رہتا, اپنے پھپھو خالہ ماموں چاچا دوست سب کے پاس بھیجتے ہیں. ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ گوشت کے ٹکڑے نہیں ہیں بلکہ ہمارا محبت کی علامت ہے یہ, کہ کل کو اگر آپ کو ضرورت پڑی تو ہم بڑی سے بڑی قربانی آپ کے لیے دے سکتے ہیں. یہ بولنا مقصد ہے. یو آر کنویئنگ اے میسج, سمجھ میں آیا؟ اور آپ لوگ آج ایک چیز ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ کی جو غریب سہیلیاں ہیں, اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر ایک کو آزماتا, کوئی کروڑ پتی رہتا تو ایک غریب رہتا, ہر ایک کے الگ الگ لیول ہیں. ایکویشن آخرت میں سب کا ایکول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کوئی بادشاہ نہیں تھے, حالانکہ ساری زمین آپ کے قدموں تلے تھی, ساری کائنات, لیکن اس کے باوجود آپ کے گھر میں فاقے ہوتے تھے. ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے, 3-3 دن کھانا نہیں ہوتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, ایک جگہ پڑھا میں تو آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے, میری خواہش رہ گئی کہ کبھی حضور کو پیٹ بھر کھانا کھلاؤں میں. تو اپنے جو کمزور سہیلیاں ہیں ان کے گھروں کو خاص طور پہ بھیجیے محبت کے اظہار کے لیے, مدد کیجئے. اور قربانی صرف حج کے مہینے تک ہی نہیں رہنا, یہ روٹین ہے پورے سال بھر کا. جس مسئلے پہ بھی آپ کو قربانی کی ضرورت پڑی, آپ کاپی خرید رہے ہیں, نوٹ بکس خرید رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے میری ایک سہیلی کمزور ہے, معاشی طور پہ کمزور ہے, لکھ جا کے ایسا دیے تو وہ, اور جو لوگ غریب رہتے ہیں خوددار بھی رہتے ہوں, ظاہر نہیں کرتے اپنی ہاتھ, بلکہ قرآن کہتا ہے کہ تم ان کو اپنے چہروں سے نہیں پہچان سکو گے. پروفیشنل بھکاری مسجد کے سامنے ٹھہرنے والے وہ نہیں, پروفیشنل غریب جو آ جاتے ہیں ہر تھوڑے دن کے واسطے ہمارے گھر پہ, وہ نہیں. آپ ان کو اپنے چہرے سے نہیں پہچان سکتے, آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے کہ واقعی ضرورت مند ہے ان. آپ تحفے کی شکل میں دو ان کو, ڈریس لے رہے ہیں ڈریس کی شکل میں دو. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس وقت, میرا بیٹا چھوٹا تھا, ہم لوگ عیدگاہ سے آ رہے تھے تو راستے میں ایک بچہ ننگے پیر جا رہا تھا, تو میں گاڑی روکا, وہ بچہ کو بولا کہ تمہارے جوتے کیا ہے, ننگے پیر کہیں کو جا رہے ہیں میاں؟ ہوائی چپل تھی صاحب, مسجد میں چلے گئی, غریب لوگ آئے ہم کہاں سے خریدنا. تو میرا بیٹا اپنے جوتے فوراً اتار کے اس کو دے دیا, الحمدللہ. بولا کہ نہیں ابو, یہ جوتے میرے کو, میرے بیٹے کے ڈائلاگ ہیں یہ, پلے سرات پہ کام آئیں گے. پھر قربانی کا جذبہ پیدا کرو اپنے اندر سے, آپ کی جو پاکٹ منی ملتی ہے اس میں سے غریبوں کی مدد کرو اپنی سہیلیوں کے لیے. سموسا کینٹین سے آپ کھاتے ہیں, کبھی ان کو بھی کھلاؤ. یہ ہے اصل چیز. اور اس میں ہندو مسلم نہیں, سب برابر ہیں, سب انسان ہیں, سب کی مدد کرنا ہے. یہ قربانی کا جذبہ, یہ قربانی کا مہینہ آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ تو آج آپ لوگ چند وعدے کیجئے, میں اپنا سیشن ختم کر دوں گا. نماز کی پابندی کریں گے 5 ٹائم. فجر کی نماز کب ہوتی؟ 8:30 بجے صبح ہوتی کیا 8 بجے ہوتی؟ نہیں, بعض سنا میں ایسا 8 بجے ہوتی, بلکہ ایسا نہیں ہے نا, صبح ہوتی ہے نا فجر کی نماز. چلیں ٹھیک ہے, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تو آپ لوگوں کو پرابلم نہیں ہے, گھروں میں اللہ تعالیٰ سہولت دیا. ہم لوگوں کو جانا پڑتا, کتے پیچھے رہے پیٹ لگتے ہیں, مسجد کو جانا پڑتا, بلکہ 10 منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں مسجد کا کتا پیچھے آیا. تو آپ گھر میں نماز کا اہتمام کریں گے, اس کے بعد صبح صبح ایک رکوع قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ, ٹھیک ہے. حدیث کی کتاب, حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں, سلیکٹڈ حدیث, منتخبہ حدیث مارکیٹ میں ملتے ہیں,
हदीस की किताब में लो, रोज एक हदीस, ठीक है? उसके बाद हल्की सी वर्जिश भी करना आप लोग, एक्सरसाइज टू कीप योर सेल्फ फिट. ए हेल्दी बॉडी इज हैज ए हेल्दी माइंड, है ना? उसके बाद वालिदैन वालिदा का अपने हाथ बटाना सुबह सुबह नाश्ते में. सुबह सुबह एक हंगामा रहता घरों में हमारे, जूता नहीं मिल रहा, बस्ता में वहां था, नोटबुक वहां का नहीं मेरी, वो शूज किधर गए, वो ऑटो वाला बाहर ठहर, चलो जी कब से निकल रहे हैं. मैं हमारे महलों में देखता हूँ हंगामा रहता सुबह सुबह. और वो अंग्रेजों के साथ रहा मैं 12-13 साल, अमेरिकन के साथ, मैं देखा कि उनके बच्चे रात में पूरा हर चीज रेडी कर लेते, अम्मा सुबह उठती भी नहीं, उन बच्चे अपना अपना ब्रेकफास्ट तैयार करा लेके डब्बा बना लेके घर चले जाते वो लोग. उनके बच्चे ऐसे नहीं हमारे से पोपो करने वाले वहां के, इस वक्त टब बनाते हैं वो लोग. तो वालिदैन की मदद करना. आपके घर में दादा दादी नाना नानी है, अगर अल्लाह ताला रखा तो बहुत बड़ी नेमत है. सुबह सुबह जाके हाथ चूमना, दुआ लेना उनसे, वालिद साहब से दुआ लेना, वालिदा से दुआ लेना, सबसे दुआ लेके फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आयतुल कुर्सी पढ़ के ऑटो में बैठ के अपने स्कूल को आना. और स्कूल में जैसे ही दाखिल हो दुआ करना कि अल्लाह सुब्हान व तआला मैं इल्म हासिल करने आई हूँ, इसमें बरकत अता फरमा और इल्म के हुसूल को मेरे लिए आसान फरमा, है ना? दुआ कीजिए, फिर अल्लाह ताला की रहमत दिन भर आपके साथ रहती. फिर घर गए, जाने के बाद फिर अपने जैसा सब अपना फ्रेश हो गए, फिर थोड़ा सा रेस्ट किए, फिर अपने वालिदैन की मदद करना. फिर सोने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस का मफहूम है कि जिसने सोने से पहले सूरत अल फातिहा, आयतल कुर्सी और माऊज़तैन, माऊज़तैन किसको बोलते हैं, कुलाउज रब्बिल फलक, कुलाउज रब्बिन नास, ये पढ़ के दम करके सोए तो कोई बुरी ताकत आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती. समझ में आई बात? इंशाल्लाह अगले सेशन में हम लोग फिर बात करेंगे. अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे इस बोलने सुनने को कबूल फरमाए, अल्लाह सुब्हान व तआला हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए, अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन से मोहब्बत करने वाला, उनकी फरमाबरदारी करने वाला बनाए, अल्लाह सुब्हान व तआला इस मुल्क की मिल्लत की सबकी खिदमत की हमको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला ये जो बच्चियां हैं अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे कर, अल्लाह सुब्हान व तआला इनकी जो दिलों की आरजुएं हैं, जो जायज़ आरजुएं हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा, और जो इस स्कूल के चलाने वाले हैं अल्लाह सुब्हान व तआला उन्हें भी अजर दे, और जो पढ़ाने वाली आपकी टीचर्स हैं. और एक बात मैं भूल गया था कि टीचर्स का अदब भी उतना ही ज़रूरी है जितने वालिदैन का है. वालिदैन सिर्फ दुनिया में ला रहे हैं, लेकिन आपको जो बनाने वाले हैं आपके टीचर्स हैं. टीचर्स की इज्जत किए बगैर आप इल्म हासिल नहीं कर सकते, तो अल्लाह सुब्हान व तआला आपको टीचर्स की इज्जत की भी तौफीक अता फरमाए. मैं एक मरतबा फिर सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत पुरसकून तरीके से मेरी बात सुनी. और दौरान गुफ्तगू अगर कोई बात आपको ख़राब लगी है या नसीहत की है तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ. आप यही माफ़ी कर दीजिए, वहाँ आखिरत में मत पकड़ो, इन बोला था बेटा पकड़ो इसको यहाँ बोल, वहाँ नहीं पकड़ना. अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब का हामी और नासिर हो. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू. नहीं कुछ भी नहीं, आप सीधा नहीं कुछ बिल्कुल नहीं सर, बिहार सर का है जस्ट इस्लाम फिर अलहमदिल्ला सर. प्लीज आस्क समबडी टू ब्रिंग द कैमरा प्लीज. हाँ उसको ले लेंगे, किसी को लाने के लिए बोलिए अंदर. एस डी कार्ड नहीं, वो बच्चे निकाल लिए शायद कल, थोड़े ही फोटोज आए शायद. अरे अल्लाह, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू. Thank you.